सबसे पहले सारे दर्शकों ने ब्रांड छोरा चैनल देखने वाले ने रिंकू बिड्डू की तरफ से राम राम। अब हम दोस्तों पेट्रोल पंप पे खड़े हैं दोस्तों, चौधरी वास गांव के अंदर। दोस्तों यहाँ लिख रखा कि शुद्ध तेल व पूरे माप का भरोसा, 24 घंटे खुला। अब हम दोस्तों चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, ये खुला है या बंद है। बोर्ड के ऊपर तो लिख रखा है, हम आपको मिलाते हैं पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब से। आपको अभी हम मिलाते हैं। देखो ये पेट्रोल पंप है दोस्तों, और उस बोर्ड के ऊपर दोस्तों उसने लिख रखा है कि 24 घंटे खुला रहेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये पेट्रोल पंप खुला है या कैसे है। जी हम यहाँ पेट्रोल पंप के बारे में पूछ रहे हैं, ये पेट्रोल पंप कितने दिन से ये बंद है, और वहाँ हमने बोर्ड पे देखा तो कि 24 घंटे ये खुला है। यहाँ कई साधन भी आए थे यहाँ, उनको कोई तेल की सुविधा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सुविधा तो तब मिले, यहाँ कोई बंदा ही नहीं था। आज मेरा आने का यहाँ मन किया था और आप मुझे ये पाए। मैं कई बार आ चुका हूँ, यहाँ पर कोई नहीं आता, ठीक है। ये यहाँ पर एक कुत्ता मिलता, वैसे यहाँ टूक खाता हुआ यहीं से पूछ घुमा के वहाँ से यहाँ चला जाता। अब हम आपको इस पेट्रोल पंप के बारे में दोस्तों बताएंगे, और आपको मैनेजर साहब से मैं बात करा रहा हूँ अभी से, और वीडियो को ध्यान से देखना, अभी से स्किप मत करना वीडियो को। हाँ भाई जी, मैं मैनेजर नहीं हूँ। और जी मैं यहाँ पर साथ में कॉलेज है हमारा, मैं उसका स्टूडेंट हूँ। हाँ जी, और लगभग मैं 5 महीने से हूँ, हमारा एडमिशन हुए। मैंने ये पेट्रोल पंप आज तक खुला नहीं देखा है, और कई बार हम यहाँ पर, ये चाय की दुकान है, इस पे हम चाय पीने आते हैं। हाँ, और इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूध सेकने के लिए बैठ जाते हैं सर्दी में। हाँ, और यहाँ पर मैं कई बार देखता हूँ कि गाड़ी आती है वहाँ से, हाँ, पेट्रोल पंप का बोर्ड देख कर, लेकिन हाँ, वो यहाँ से उनको वापिस मुड़ना पड़ता है। हाँ, फिर हमारी भी जानने की मनसा हुई, हमने चाय वाले से पूछा था अंकल जी से ये कैसे बंद है, वो तो बता रहे थे कि इनके जो दो थे साझा काम था, दो बंदों का पार्टनरशिप थी उनकी, पार्टनरशिप थी, किसी कारण वो पार्टनरशिप में कुछ हो गई होगी गड़बड़, अच्छा, इसलिए किसी को एक को टोटा आया। हाँ, और दूसरा वो इसकी पार्टनरशिप से भाग गया, अच्छा, इसलिए ये अब 5 महीने से तो मुझे देखते हुए बंद हो गया, उससे पहले से नहीं पता था कितने। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पार्टनरशिप वाले थे वो एक ही गांव से थे या अलग अलग थे? दे भाई इतनी जानकारी मुझे नहीं है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ने आता हूँ। अच्छा अच्छा, जैसे अब लंच चला हुआ उसके लिए बैठा हूँ मैं तो। अच्छा, जानकारी आप चाय वाले से ले सकते। और ये पेट्रोल पंप कितने दिन से बंद है इस बारे में भी मुझे नहीं, और इस पेट्रोल पंप के बारे में किसको पता? आपको पता भाई साहब ये पेट्रोल पंप कितने दिन से बंद है? ये करीबन 6 महीने से बंद है भाई। किस वजह से ये बंद? अरे भाई हमने 6 महीने हो गया देखते ने, अच्छा, आज तो ही तक खुल नहीं लिया है, बाकी मेरा बना भाई चौकीदार भी रहा करता। हाँ, एक दिन तो भाई मेरे को इसके अंदर मिला था, वो तो मापर्ची वाला होगा, तो मापर्ची वाला था, कौन था? उसके बाद मेरे को ये अभी तक मिला नहीं है। ये ताला वैसे ही लग चुका है दोस्तों, देखो ये ताला है, अभी तक ये ताला भी नहीं खुला। पेट्रोल पंप खुलेगा तो उसी टाइम ताला खुलेगा, मेरे को उस टाइम ये लग रहा है कि ये इसका कोई चौकीदार पाएगा, धुमा पर्ची का एक बांधना है और ये कोई चौकीदार है, इस वजह से। एक दिन मैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए आया तो ये फरार हो गया, डाउट है, उसका फेस मेरी नजरों में है, ठीक है। और दोस्तों ये पेट्रोल पंप है भारत पेट्रोल पंप। भाई साहब आपको पता है ये पेट्रोल पंप है कितने दिन से बंद है? हरीश कुमार जी, दोस्तों ये पेट्रोल पंप है दोस्तों, केस भी चलिया दोस्तों, जो पार्टनर थे, दो थे जी पार्टनर, वही उनका केस चला, लंबा चला है, ठीक है। कोई ऐसे बोल रहा है कि भाई दूसरा बंदा 3 करोड़ लेके भाग गया, दूसरे की तबीयत खराब थी, इस वजह से दोस्तों यहाँ बहुत ही समस्या गंभीर चली हुई है। इसी वजह से ये पेट्रोल पंप है जो ओपन ही हो रहा दोस्तों,
अभी वो केस चल रहा है दोस्तों, केस देखो हारेंगे या जीतेंगे उस टाइम ये पेट्रोल पंप दोस्तों खुल सकता है। ठीक है दोस्तों, बने रहे दोस्तों इस वीडियो तक, मिलेंगे दोस्तों फिर जब ये पेट्रोल पंप ओपन होएगा दोस्तों।